ही आ रही। लेकिन ये भी बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, कम से कम एक ऐसे मौसम में जो लिटरेचर और लैंग्वेज और कल्चर को भी स्थानों में बांटा जा रहा है, और यहाँ आके ये दिखाना उर्दू में और फारसी में रामायण के ऐसे से नायाब लगती है, ये एक कल्चरल डिपार्टमेंट ने बड़ा सराहनीय कदम किया। और ऐसे कदम बार 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 उठने चाहिए जिसमें कंपोजिट कल्चर दिखाई दे, सेकुलर कैरेक्टर दिखाई दे। यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट जो है ग्रंथों को पढ़ा है, बाइबल, कुरान और बाकी सब चीज़ें जो इंग्लिश में रहती है, हिंदी में रहती है, उन सबको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है और आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं। मगर यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट है, जो लोग हिंदी, उर्दू और इंग्लिश को उतनी जानकार नहीं है, और हम जैसे मुस्लिम्स जो हम लोग उर्दू वाले हैं, हम लोगों के लिए रामायण और गीता या फिर जो भी ग्रंथ हैं हिंदुओं के या बाकी सबके, उसको पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा एक स्कोप मिल चुका है।